ब्लश ब्रश के सॉरी हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रभा। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है, दिस प्रिटी लुक जो मैंने क्रिएट किया है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी और बहुत ही कम प्रोडक्ट से। मतलब मैंने ज़्यादा फाउंडेशन वगैरह बहुत कम यूज़ किया है। आप उसके बदले सीसी क्रीम वगैरह या कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो उस तरीके से मैंने मेकअप किया और बहुत ही क्विक है। मतलब ब्रश मैंने ना के बराबर यूज़ किए हैं और जितनी मैंने कोशिश करी है ब्रश कम यूज़ करना, प्रोडक्ट कम यूज़ करना और बहुत ही क्विक मेकअप करना। तो यस, मैंने दिस लुक क्रिएट किया है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। प्लीज़ जितना ज़्यादा शेयर हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स जो मेकअप करते हैं, जो मेकअप नहीं भी करना जानते हैं, जो कि वो भी चाहते हैं कि अच्छे से जल्दी से तैयार होकर जाएँ और बहुत ही सिंपल तरीके से, उनको ज़्यादा ब्रशेज और ज़्यादा प्रोडक्ट की ज़रूरत ना हो। क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियोज़ ऐसे डाले हैं बिना कम प्रोडक्ट वाले भी, तो प्लीज़ उन्हें भी जाके देखिएगा एंड प्लीज़ मेरे इस वीडियो को भी बहुत प्यार दीजिएगा और जितना ज्यादा शेयर हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे और भी आने वाले वीडियोस मिस ना हो। तो यस, पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही जल्दी मेकअप होने वाला है, ज्यादा लंबा नहीं है, तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा और आप इसको पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे स्टेप बाय स्टेप मैंने किया है। तो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो मैं फर्स्ट यूज कर रही हूँ वो है स्विस ब्यूटी का आई पैलेट। इसमें से मैं लूंगी ब्राउन डार्क शेड फॉर माय आईब्रो। तो मैं आईब्रो से फिल कर लेती हूँ जल्दी से। सो इट्स डन। तो नाउ मैं अपने जो भी मेरे चेहरे पे पिगमेंटेशंस हैं मैं उसको कट करने के लिए सिर्फ यूज़ करूँगी कंसीलर। आज मैं थोड़ा बहुत ही लाइट बेस यूज़ करने वाली हूँ, तो बहुत ही लाइट ही बेस रखूँगी। आप चाहें तो बीबी या सीसी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। मैं यूज़ करूँगी लैक्मे का फाउंडेशन और उससे पहले मैं अपने पिगमेंटेशन को कट करने के लिए यूज़ करने वाली हूँ कंसीलर। आप चाहें तो ये पार्ट स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा अच्छा सा बेस चाहिए तो आप वो यूज़ कर लीजिए, और आप अगर थोड़ा नेचुरल रखना चाहते हैं तो आप बस फाउंडेशन लगा के डन कर दीजिए। तो मैं यूज़ करने वाली हूँ कंसीलर। कंसीलर मैं ले रही हूँ NYX का लाइट, मेरे में स्किन से मैच करता हुआ शेड। तो मैं इसको जस्ट हल्का सा अपने हैंड के पीछे ले लेती हूँ और बहुत ही लाइट अमाउंट में लगाने वाली हूँ। इसको रब करूँगी, वॉर्म करूँगी और जहाँ जहाँ भी मेरे डार्क, जैसे कि यहाँ पे है हल्का सा ये, इसको हैंड हेयर जहाँ जहाँ भी मेरे डार्क है मैं इसको ये लगा लेती हूँ। और नेक्स्ट जो मैं यूज़ करने वाली हूँ फाउंडेशन लैक्मे का, तो मैं इसे हल्का सा लेके अपने हैंड पे इसे हल्का सा वॉर्म करके लगा लेती हूँ, अप्लाई कर लेती हूँ। तो मैं ले रही हूँ ब्रश ब्लेंडिंग के लिए, तो मैं ब्लेंड कर लेती हूँ। हमेशा मेकअप करते समय आप अपने नेक को ज़रूर कवर कीजिए, जिससे कि आपका जो मेकअप का बैलेंस जो लगता है ना, वो बैलेंस लगे, जो आपकी इवन स्किन लगे, लाइक फेस ही ना आपका चमके बस। तो ये जस्ट ये है। सो येट इट्स डन। नाउ मैं यूज़ करने वाली हूँ कंसीलर अगैन अपने आईज़ को कंसील करने के लिए, जो कि ये आईब्रो मैं अपनी हल्की सी शार्प एंड कट करूँगी। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं और आप चाहें तो कर भी सकते हैं। जिनकी आईब्रो बहुत शार्प होती है ऑलरेडी वो स्किप कर दे, नो प्रॉब्लम। जिनकी आईब्रो बहुत ज़्यादा मेरी तरह जिनकी हल्की है वो ज़रूर इसे यूज़ करें। इससे क्या होता है कि आपकी आईब्रो डिफाइन हो जाती है और काफ़ी अच्छी लाइक शार्प नज़र आती है। मैं जस्ट इस तरीके से इसे यूज़ कर लूँगी, फिंगर से ही ब्लेंड कर लेती हूँ। ये काफ़ी अच्छे डिफाइन हो चुकी हैं और ये काफ़ी अच्छा मतलब शार्प हो गई हैं। नाउ मैं यूज़ करने वाली हूँ आई शेडो। आई शेडो के लिए मैं जो यूज़ करने वाली हूँ, आज मैं
कुछ डिफरेंट ट्राई करने वाली हूँ। आज मैं लूंगी लिपस्टिक का शेड फॉर आउटर कॉर्नर ब्राउन शेड। तो मैं ये ब्राउन शेड ले रही हूँ अपने ऑल अबाउट लिप्स में से, जो कि स्विस ब्यूटी का है। तो इसमें से मैं लूंगी ब्राउन शेड अपने आउटर कॉर्नर के लिए। तो मैं इसे जस्ट फिंगर से ही ले लेती हूँ और मैं इसे आउटर कॉर्नर पे यूज करूंगी। इससे पहले कि ड्राई ना हो जाए मैं इसको ब्लेंड भी कर लेती हूँ। पहले मैं एक आई इस पे लगा लूंगी और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ। इट्स टोटली अप टू यू कि आप लिपस्टिक भी यूज कर सकते हैं और आप चाहें तो आई शेडो भी यूज कर सकते हैं। मैं लिपस्टिक यूज कर रही हूँ। तो अब मैं ले रही हूँ आई शेडो इसको सेट करने के लिए, जिससे कि ये सेट हो जाए, क्योंकि ये लिक्विड बेस है। तो जो मैं आई पैलेट ले रही हूँ वो स्विस ब्यूटी का ले रही हूँ। इसमें से लूंगी दिस टू शेड्स, ब्राउन एंड लाइट ब्राउन, दोनों को मिक्स करके यूज करूंगी। डार्क कलर थोड़ा कम लूंगी, लाइट थोड़ा ज्यादा लूंगी, डैब करूंगी और इसे हल्के से सेट कर दूंगी आउटर कॉर्नर को। मैं लेने वाली हूँ दिस लाइट शेड फॉर इनर कॉर्नर। तो मैं हल्का सा यूज करने वाली हूँ इसको यहाँ पे, जस्ट हाईलाइट करने के लिए। नाउ मैं ले रही हूँ इसमें से पिंक शेड और ये मैं भी फिंगर से ही अप्लाई करने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत ही क्विक मेकअप है तो आपको ज्यादा देर नहीं लगेगी। मैं इसको हल्का सा पिंक शेड यूज कर रही हूँ दिस अमाउंट। ये कितना पिगमेंटेड है आप देख सकते हैं। तो मैं हल्का सा फिंगर से इसको ब्लेंड कर लेती हूँ। अगेन मैं व्हाइट शेड लूंगी और इसे लगाऊंगी इनर कॉर्नर पे लाइक दिस। यस इट्स डन। अब मैं ले रही हूँ ब्रश और ब्रश में हल्का सा बहुत ही लाउड लाइट ब्राउन कलर लेके इसे ब्लेंड कर लेती हूँ अच्छे से। मैं ले रही हूँ हाईलाइटर। हाईलाइटर मैं अपने इनर कॉर्नर एंड आउटर कॉर्नर पे यूज करने वाली हूँ, तो मैं वो कर लेती हूँ। हाईलाइटर मैं लूंगी परफेक्ट 9 से हाईलाइट माय ब्राउ को। मैं हल्का हल्का सा यूज करने वाली हूँ इसको। और मैं इनर कॉर्नर में यूज करने वाली हूँ। तो यस इट्स डन। नाउ मैं लोअर लैश लाइन पे ब्राउन शेड यूज कर रही हूँ, जो कि स्विस ब्यूटी का था डार्क ब्राउन शेड। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, ये वाला ब्राउन शेड यूज करूंगी लोअर लैश लाइन पे। अब मैं ये लूँगी न्यू कलर की पेंसिल, जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन की। तो ये काफ़ी अच्छी है, तो मैं इसको वाटर लाइन पर फिल कर लेती हूँ। तो यस इट्स डन। अब मैं लगा लेती हूँ मस्कारा। तो यस मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ इनसाइड का। मैं ले रही हूँ लैक्मे का लाइनर। मैं इससे बहुत ही पतला सा विंग लाइनर लगाने वाली हूँ, ज़्यादा मोटा नहीं लगाऊंगी। तो सो यस माई लाइनर इज डन। अब मैं आई लैशेज अप्लाई कर लेती हूँ। उससे पहले मैं यूज़ करने वाली हूँ ब्लश, तो मैं हल्का सा ब्लश लगा लेती हूँ। ब्लश मैं आज लगाने वाली हूँ अगेन माई लिपस्टिक से डिफरेंट। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना डिफरेंट ट्राई करूँ। तो मैं इसमें से लगाने वाली हूँ बहुत ही ये दो पीची से एंड ब्राउन से शेड मिक्स करके हल्का सा फिंगर्स पे लेके। तो मैं हल्का सा बहुत ही कम और मैं इसे ब्लेंड कर दूंगी हाथों से फिंगर्स से ही। इससे
पहले कि ये ड्राई ना हो जाए आपको ब्लेंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैट लिपस्टिक है तो ड्राई होने के बाद ये ब्लेंड थोड़ी मुश्किल से होंगी। तो मैं क्या करती हूँ, अब मैं ब्रश लेके इसे हल्का सा ब्लेंड कर देती हूँ जिससे कि थोड़ा जल्दी हो जाए। तो यस, इट्स ब्लेंड। अब चाहे तो हल्की सी रेड लिपस्टिक यूज़ कर सकते हैं, ब्राउन लिपस्टिक यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास बहुत लाइट शेड हो थोड़ा सा चीक्स पे यूज़ करने के लिए, तो आप उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास भी ये पैलेट हो, आपके पास भी जो भी लिपस्टिक है आप उसे अपने चीक्स पे ब्लश की तरह यूज़ कर सकते हैं, वो लगने के बाद काफ़ी अच्छा लगता है। तो यस, मेरा ये ब्लश इज़ डन। तो जो मैं हाइलाइटर अपने नोज पे लगा लेती हूँ हल्का सा, जो मैंने अब ब्राउ पे लगाया था हल्का सा, ब्रिज ऑफ माय नोज एंड टॉप ऑफ माय नोज। तो ये मेरा डन हो गया है। एंड लिप्स के ऊपर, तो जैसे कि आपने देखा मैंने ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं यूज़ किए हैं, बहुत ही कम लाइट और बहुत ही क्विक मेकअप किया है। एक चीज़ रह गई है लिपस्टिक। लिपस्टिक मैं यूज़ करने वाली हूँ अगेन माय ब्यूटीफुल पैलेट, लिपस्टिक पैलेट। तो मैं इसमें से ब्राउन शेड ले लेती हूँ, ब्राउन शेड अगेन मेरे फिंगर से एंड उसे अप्लाई करूँगी। आज मैं आपको एक, क्योंकि लिपस्टिक मेरे पर्सनल यूज़ के लिए है इसीलिए मैं इसे फिंगर से ही अपने ऊपर ही यूज़ करती हूँ। तो आप बस जो भी आपका पर्सनल यूज़ हो वही आप ऐसे तरीके से यूज़ कीजिए। अगर आप किसी और पे भी अप्लाई करते हैं तो प्लीज़ यूज़ ब्रश की, जिससे कि थोड़ा सा। तो अब मैं एक आपको हैक बताने वाली हूँ। अगर आपको अपनी लिपस्टिक को हल्का सा ओम्बरे शेड देना है तो आप फाउंडेशन या कंसीलर कुछ भी लीजिए, आप हल्का सा फिंगर पे ही ले लेती हूँ। मैं हल्का सा बहुत ही लाइट अमाउंट में लिया है और आप इसको सेंटर में अप्लाई कीजिए। एक ओम्ब्रे इफेक्ट आ जाएगा। अगर आपको कम लग रहा है, मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, तो मैं तो आप देख सकते हैं हल्का सा ओम्ब्रे इफेक्ट आ गया है। आप चाहें तो ज्यादा इसको इनहेंस कर सकते हैं, फाउंडेशन ज्यादा लगा के आप कम भी कर सकते हैं। नाउ मैं यूज कर लेती हूँ सेटिंग स्प्रे फाइनल मेकअप के साथ। मैं आईज को कवर कर, आप हमेशा आईज को कवर करके यूज कीजिए जिससे कि आपके आंख में ना चला जाए। बहुत अच्छा फिक्सर है ये, आप इसे ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। ये मैंने नायका से परचेज़ किया था और इसका लिंक मेरी प्रीवियस वीडियो में है, जो कि मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। आप जाके इसे ज़रूर खरीद सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही अच्छा सेटिंग है, उसकी फ्रेगरेंस बहुत ही प्यारी है एंड ये बहुत ही स्टे करता है मेकअप को। तो आई लव इट, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। मतलब लाइक आपको ज़्यादा महंगा भी सेटिंग थोड़ा छोटा है, लाइक मिनी, आप इसे, ये पोर्टेबल भी, आप इसे कहीं पे भी इजीली कैरी भी करके लेके जा सकते हैं। तो यस, माय मेकअप इज डन, बहुत ही क्विक था आपने देखा होगा। और मैं अब आई लैशेस अप्लाई कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। सो दिस इज माई फाइनल लुक। आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि मैंने बहुत ही कम प्रोडक्ट से यूज़ किया, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैंने बहुत ही कम प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, लाइक बहुत लेस भी किए हैं, ज़्यादा क्वान्टिटी में यूज़ नहीं किया और बहुत जल्दी से फिंगर से ही ब्लेंड किया है। कि कौन कहता है कि बिना ब्रश के मेकअप नहीं हो सकता। यस, आप बिना ब्रश के भी मेकअप कर सकते हैं। आज
फैन बहुत इरिटेट कर रहा है, सॉरी। तो यस, आप बिना ब्रश के भी मेकअप कर सकते हैं। आप चाहे, जैसे कि मैंने थोड़ा बहुत ब्रश यूज किया है, आप चाहे तो नहीं भी करेंगे तो भी चलेंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आप जब भी ब्लेंडिंग करें, चाहे फिंगर से करें चाहे ब्रश से करें, बहुत अच्छी तरीके से करें, क्योंकि फिंगर से क्या होता है, प्रोडक्ट ज्यादा लग जाता है, तो हम ब्लेंड बहुत ब्लेंड मुश्किल से हो पाता। तो आप कोशिश करें कि बहुत ही कम प्रोडक्ट लें जब भी आप फिंगर से अप्लाई करते हैं कुछ भी, पहले बहुत ही कम प्रोडक्ट लें, जैसे कि आप यूज़ करें तो वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। भले आपको दोबारा लेना पड़ जाए, लेकिन आप कम प्रोडक्ट लेंगे तो वो काफ़ी अच्छा ब्लेंड भी हो जाएगा और लग भी जाएगा। तो यस, दिस इज माई बहुत ही इजी एंड सिंपल मेकअप लुक, और बहुत ही प्रिटी लग रहा है। लाइक कोई देख के भी नहीं कहेगा कि ये बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा हुआ है। तो यस, प्लीज़ मेरे ऐसे ही वीडियो को प्यार दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड खूब सारा प्यार दीजिएगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, धन्यवाद।